नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म चुप अपने 9वें दिन पर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाली है और 8वें दिन का कलेक्शन कितना हो गया है। वहीं दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र अपने 23 डे मतलब आज कितना कलेक्शन करेगी और 22वें दिन इसने कितना कलेक्शन किया, इन सब के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं फिल्म चुप की। दोस्तों चुप को अच्छे खासे रिव्यूज मिले, हालांकि कई लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि दोस्तों ये एक मास मूवी नहीं है, ये क्लासेज के लिए मूवी है, मेट्रो सिटीज के लिए मूवी है। क्योंकि अगर आप फुल एंटरटेन देखने के लिए इस फिल्म में जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, तो एक विशेष वर्ग के लोगों को मतलब एक जो अलग च्वाइस होती है जिसकी सिनेमा के प्रति, उन्हीं को ये फिल्म पसंद आ रही है, इसलिए फिल्म के इतने कम कलेक्शन आ रहे हैं। दूसरा कारण, इसको नंबर ऑफ स्क्रीन बहुत कम मिली है फिल्म को, इस कारण कलेक्शन कम आए। लेकिन चूंकि फिल्म का बजट बहुत कम है, 10 करोड़ रुपए ही फिल्म का बजट है, तो फिल्म अपना बजट कवर करके हिट साबित हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि 8वें दिन फिल्म ने 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जो ठीक कहा जा सकता है क्योंकि दो बड़ी फिल्में कल रिलीज हुई थी, विक्रम वेदा और PS1, उसके सामने 50 लाख का कलेक्शन करना भी अच्छा कहा जा सकता है। और आज भी ये फिल्म करीब 55 से 60 लाख रुपए का कलेक्शन करने जा रही है, जिसे भी बुरा नहीं कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस फिल्म का जो 9 दिनों का कुल कलेक्शन है वो हो जाता है 12.09 करोड़ रुपीज इंडियन नेट। और दोस्तों इसमें अगर ओवरसीज के 3.5 करोड़ रुपए जोड़ दे तो ये कलेक्शन हो जाता है 15.50 करोड़ रुपीज, करीब 15.5 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन हो चुका है। फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए है, तो फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो चुकी है। दोस्तों अब देखते हैं फिल्म अपना लाइफ टाइम कितना कलेक्शन कर पाती है। जहां तक बात करें ब्रह्मास्त्र की, तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र फिल्म का जो डे 22 मतलब कल इसका कलेक्शन आया करीब 56 लाख रुपए के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन। और दोस्तों आज ये फिल्म 1 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि आज सैटरडे है तो फिल्म आज ज्यादा कलेक्शन करेगी, करीब 50% का उछाल आज कलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मास्त्र का जो टोटल कलेक्शन है वो हो जाता है 262.38 करोड़ रुपीज 23 डेज का। थोड़ा सा दोस्तों ऑडियो में बीच बीच में डिस्टरबेंस आपको सुनाई दे रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इस कारण से थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टरबेंस हो रहा है। दोस्तों जहां तक ब्रह्मास्त्र फिल्म की बात करें, वीक फर्स्ट में इसका कलेक्शन था 173.22 करोड़ रुपीज, वीक टू में इसका कलेक्शन था 57.43 करोड़ रुपीज, काफी बड़ा ड्रॉप हुआ था वीक टू में। और वीक थ्री में भी 50% से ज्यादा का ड्रॉप हुआ और वीक थ्री में इसका कलेक्शन आया है 30.18 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का अब ये लाइफ टाइम कलेक्शन की ओर बढ़ रही है ब्रह्मास्त्र, तो करीब करीब ये 270 करोड़ रुपए तक का इसका लाइफ टाइम कलेक्शन रह सकता है। जहां तक इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 313 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर इसका नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इसका करीब अभी तक हो जाता है 410 करोड़ रुपीज के आसपास, 410 to 415 करोड़ रुपीज के आसपास हुआ है, क्योंकि अब ओवरसीज से भी लाखों में ही कलेक्शन आ रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए ऐसा ही कलेक्शन फिल्म का अभी तक आ रहा है। और दोस्तों अगर इसका टोटल नेट कलेक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की, तो 330 से 332 करोड़ रुपए के आसपास इसका नेट कलेक्शन हो गया, वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र का अब ज्यादा दिनों तक फिल्म ज्यादा नहीं चलेगी, फिल्म कुछ ही दिनों तक चलेगी क्योंकि दो बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है, तो काफी स्क्रीन्स कम हो चुकी है, ब्रह्मास्त्र के शोज भी काफी रिड्यूस हो चुके हैं। और 5 तारीख को फिर से दो बड़ी फिल्में आ रही है, गॉडफादर है, इसके अलावा दोस्तों द घोस्ट है, फिर 7 तारीख को अमिताभ बच्चन की फिल्म गुड बाय आ रही है। तो ब्रह्मास्त्र का ये लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 270 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन नेट रहने वाला है। फिलहाल इतना ही, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।